तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यह हमारा फर्स्ट ईयर का जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह फर्स्ट ईयर का हमारा लेक्चर है। इसमें क्या है कि आपको पिछला क्लास में हम लोग बताए थे कि एलिसाइक्लिक तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है कि आपको साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्किन, साइक्लोअल्काइन। अब एलिसाइक्लिक के बाद जो है कि हम लोग को पढ़ना है एरोमेटिक, और एरोमेटिक के बाद पढ़ना है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग शुरू किए थे आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लिक में दो तरह के होते हैं, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक को तीन भाग में बांटा गया था, पहला था एलिसाइक्लिक, दूसरा एरोमेटिक और तीसरा क्या है पॉलीन्यूक्लियर। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सवाल है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम लोग किसे कहते हैं। तो इसका सबसे पहला जो डिफिनेशन दिया गया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, वह कहा गया था कि वैसा कंपाउंड जिसका सुगंध एरोमा के जैसा होता है उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इंग्लिश में क्या डिफिनेशन होगा, द टाइप ऑफ कंपाउंड हैविंग एरोमा लाइक स्मेल आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यह जो है कि जो डिफिनेशन दिया गया है उस डिफिनेशन से हम लोग का जो प्रश्न है वह सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर पेपर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको उसको हम लोग वहां पर पेपर को सुन के नहीं बता सकते हैं कि कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है। तो यह डिफिनेशन जो है कि उचित नहीं है, इसीलिए एक दूसरा डिफिनेशन जो दिया गया है वो अभी यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो दूसरा डिफिनेशन क्या है, तो ऐसा कंपाउंड जो निम्नलिखित चार नियम का पालन करता है उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, द कंपाउंड विच फॉलोइंग फोर रूल आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो डिफिनेशन आप लोग रिपीट करके लिख लेंगे। अब आते हैं और देखते हैं चार रूल कौन है। तो सबसे पहला जो रूल है वह रूल कहता है कि कंपाउंड में एक सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, यानी इस तरह से सिंगल डबल अल्टरनेट बॉन्ड होना चाहिए। तो जिस किसी कंपाउंड में सिंगल डबल अल्टरनेट बॉन्ड होगा वह एरोमेटिक हो सकता है। तो अब दूसरा रूल क्या है कि दूसरा रूल कहता है कि कंपाउंड जो है कि साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि कंपाउंड क्लोज चेन का होना चाहिए जिसका फर्स्ट इन लास्ट इन एक दूसरे में जुड़ा होना चाहिए, वह कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है। अब आते हैं तीसरा रूल, हम लोग देखते हैं कि तीसरा रूल किसे कहते हैं। तो तीसरा रूल जो यहाँ पर दिया गया है वह कह रहा है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर किसे कहते हैं इसको अच्छी तरह से हम लोग को समझना होगा, क्योंकि इसमें जो है कि विद्यार्थी लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि प्लेनर क्या होता है। तो प्लेनर किसे कहते हैं, तो यदि किसी कंपाउंड में कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर कार्बन पर प्लस चार्ज हो तो वह जो कंपाउंड वह कार्बन एटम प्लेनर होता है। तो ये प्लेनरिटी पहचानने का बहुत सारा तरीका, एक सिंपल तरीका आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड हो या कार्बन एटम के पास ट्रिपल बॉन्ड हो या कार्बन एटम के पास ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर वह जो है कि आपको कार्बन एटम के पास प्लस चार्ज हो तो वह एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पर वही देखेंगे कि तीन चीज पालन करे तो वह एरोमेटिक होगा। चौथा रूल क्या है, चौथा रूल कहता है कि यदि जो है कि, तो इस रूल को तीसरा रूल को अच्छी तरह से समझ लेंगे, यदि कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड हो या कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो या कार्बन पर प्लस चार्ज हो तो वह प्लेनर होता है। बिल्कुल आसान तरीका में इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब चौथा रूल क्या कहता है एरोमेटिक होने के लिए, चौथा रूल क्या कहता है कि कंपाउंड को हकेल रूल का पालन करना चाहिए, HUCKEL, हकेल रूल का पालन करना चाहिए। अब यह हकेल रूल क्या है, तो हकेल एक वैज्ञानिक थे, वही इस रूल को दिए थे, इसीलिए उनके नाम पर इस रूल को रख दिया गया हकेल रूल। तो हकेल रूल में क्या होता है कि हकेल रूल क्या होता है, या एक फॉर्मूला दिए थे, वह फॉर्मूला होता है 4n+2 πe। हकेल के द्वारा यह दिया गया फॉर्मूला है 4n+2 πe। अब इस फॉर्मूला से हम लोग
एन का वैल्यू निकालेंगे। तो प्रत्येक कंपाउंड में एन का वैल्यू निकालेंगे। यदि एन का मान 0, 1, 2, 3 या होल नंबर आ गया होल नंबर, तब तो वह कंपाउंड एरोमेटिक होगा। यदि एन का वैल्यू बटा में आ गया, भिन्न में आ गया, यानी फ्रैक्शन में आ गया, 1/2, 3/2, तो वह कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर देखते हैं कि चारों रूल का पालन जो कंपाउंड करता है वही कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो अब आइए हम लोग इसमें से देखते हैं, जो कि एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पर एक कंपाउंड है यहाँ पर बेंजीन। तो बेंजीन के बारे में पता करना है हम लोग को, बेंजीन का यही फॉर्मूला होता है C6H6। तो इसके बारे में पता करना है कि यह एरोमेटिक है या नहीं, या फिर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते कि यह एरोमेटिक है या नहीं, इसके बारे में हम लोग को पता करना है। तो यह एरोमेटिक है कि नहीं, तो सबसे पहला रूल देखते हैं इसमें हम लोग बेंजीन के बारे में। तो यहाँ पर जो कि प्रत्येक कॉर्नर पर कार्बन लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला रूल आते हैं सिंगल डबल अल्टरनेट है। दूसरा रूल कहता है यह साइक्लिक भी है, क्लोज चैन भी है। और तीसरा रूल कहता है कि प्लेनर तब होगा जब इसमें प्रत्येक कार्बन पास या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड या प्लस चार्ज। तो इसमें प्रत्येक कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो यह प्लेनर भी होगा। तो तीन रूल का पालन तो कर रहा है। अब आइए देखते हैं यदि चौथा रूल का पालन करता होगा, यानी हॉकेल रूल का पालन कर रहा होगा, या हॉकेल रूल के अनुसार यदि एन का वैल्यू 0, 1, 2, 3 आ जाए तो यह कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो आइए अब हॉकेल रूल को हम लोग चेक करते हैं कि यह कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नहीं है। तो हॉकेल रूल के अनुसार को इसमें हम लोग देखते हैं, कहता है 4N+2 = π इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले एक चीज हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर कि सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और जहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, और यदि किसी में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं तो एक सिग्मा होता है और ऊपर नीचे दो क्या होते हैं इसमें पाई बॉन्ड होते हैं। तो यह जो है कि थोड़ा सा जानकारी हम लोग को रखना होगा। यहाँ पर आते हैं तो बेंजीन में देखते हैं यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई है, फिर एक सिग्मा एक पाई, फिर यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बेंजीन रिंग में 3 π बॉन्ड है, 1, 2, 3। तो एक पाई बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, एक इस कार्बन का और दूसरा इस कार्बन का। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे, 2 यहाँ पर हो जाएंगे, 4 और 2 6। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। तो आइए यहाँ पर इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला आता है 4N+2 = π इलेक्ट्रॉन। 4N+2 = π इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया 6। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यह आर है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 4N+2 = 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, 2, 4, 2, 6। तो यहाँ पर 4N = 6 - 2, यानी कि 4N = 4 हो जाएगा। तो N = 4/4, यानी कि 1 आ गया। तो N का वैल्यू 1 आ गया। तो यदि N का वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी आए तो वह कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो बेंजीन में N का वैल्यू 1 आ चुका है, तो इसीलिए यह कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। तो बेंजीन क्या होगा? एरोमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन चारों रूल का पालन कर रहा है। इसमें सिंगल डबल अल्टरनेट का बॉन्ड भी है, या साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और हॉकेल के अनुसार एन का वैल्यू इसमें 1 आ चुका है। तो यानी हॉकेल रूल का भी पालन कर रहा है, इसीलिए यह क्या होगा? एरोमेटिक होगा। अब आइए एक दो और एग्जांपल देखते हैं कि वह कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नहीं है। तो इसको मिटाते हैं और दूसरा कंपाउंड देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक देखते हैं दूसरा कंपाउंड, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर एक कंपाउंड है, इसमें जो है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, फिर एक यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर कार्बन 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 और कार्बन है। तो यह क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है। अब इसको चेक करना है कि यह एरोमेटिक है या फिर
नहीं है। तो इस पर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें आते हैं यहाँ पर एक सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, एक डबल, अल्टरनेट है, यानी यह पहला रूल का पालन कर रहा है। तो अब आते हैं इसमें हम लोग दूसरा देखते हैं कि दूसरा रूल क्या कहता है। तो दूसरा रूल कहता है कि कंपाउंड जो है कि साइक्लिक होना चाहिए, तो यह साइक्लिक भी है। तीसरा रूल कहता है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, तो प्लेनर तब होगा जब प्रत्येक कार्य पास डबल बॉन्ड हो। तो इसके पास भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी, यहाँ भी, तो यह जो है कि प्लेनर भी है। अब चौथा रूल कहता है कि कंपाउंड जो है कि हकेल रूल का पालन करना चाहिए। तो हकेल रूल कहता है कि 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो सबसे पहले पाई बॉन्ड गिनते हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई हो गया, फिर यहाँ पर सिग्मा, एक पाई हो गया, तो दो पाई बॉन्ड है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो इसका और दो इसका, यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। तो 4n+2 बराबर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपको 4n+2 बराबर 4 हो जाएगा, तो 4n बराबर हो जाएगा 4-2, यानी 4n बराबर 2 हो जाएगा, तो n बराबर 2/4, यानी 1/2। तो यह तो भिन्न आ गया, होल नंबर नहीं आया। तो जब होल नंबर नहीं होगा तब कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक तभी हो सकता है जब वह जो कि होल नंबर में हो। तो इसमें एन का वैल्यू 1/2 आ गया, इसीलिए कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। क्यों नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि यह कंपाउंड 4 में से 3 रूल का पालन कर रहा है, लेकिन चौथा रूल का पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए यह कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो इसी प्रकार आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अभी दिए जा रहे हैं, जिससे आपको पता करना कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, उसको आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, आप उसको जो है कि चेक करके बताएंगे। तो आइए इसको हम लोग अभी थोड़ा सा मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं होमवर्क के रूप में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है इसका नाम है नेफ्थलीन या एंथ्रासीन, इसको कहते हैं हम लोग आपको फुरान या पायरोल, और यह क्या है, थायोफिन है। तो आगे इसको हम लोग फिर पढ़ेंगे, इसीलिए आपको यहाँ पर नाम नहीं लिख रहा है, केवल आपको पता करना है कि इन सभी में कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपको हो सकता है, यहाँ पर जो है कि पांचवा क्वेश्चन, इसमें 5 नंबर में यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। और जो है कि यहाँ पर देखिए, यह जो है कि आपको चेक करना है कि कौन एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। तो एक क्वेश्चन यह अभी आपको हो सकता है, तो इसको जो है कि अच्छी तरह से इसको मिटाकर यहाँ पर हम लिखते हैं, अच्छी तरह से इसका शेप बनाते हैं फिर से। तो यहाँ पर एक कंपाउंड इस तरीका से है, यहाँ पर देखेंगे यह कंपाउंड जो है कि ऐसा है, इसमें एक डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर डबल। तो इस सबको चेक करना है आप लोग की कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। तो इसमें क्या है कि, तो इसमें अगर पाई बॉन्ड देखते हैं तो एक पाई बॉन्ड, 2, 3, 1, 4, 1, 5 पाई बॉन्ड है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पाई बॉन्ड है, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसमें आते हैं 1, 2, 3 पाई बॉन्ड है, तो जो है कि 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं तो 2, 2, 4 और यह जो 2 लोन पेयर है यह भी पाई बॉन्ड की तरह ही कार्य करता है, तो इसमें 2, 2, 4 और 2, 6 हो जाएंगे। और साइक्लिक भी है, अल्टरनेट भी है, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल, तो यह अल्टरनेट भी है। देखिए यहां से सिंगल सिंगल ऐसे गिनिएगा तो सिंगल सिंगल हो जाएगा। तो किसी भी दिशा से आपको काउंट करके इसको अल्टरनेट चेक कर लेना है। तो अगर इस दिशा से काउंट कीजिएगा सिंगल सिंगल तो अल्टरनेट नहीं होगा, लेकिन अगर इस दिशा से देखेंगे तो यह अल्टरनेट हो जाएगा, सिंगल डबल, सिंगल डबल और सिंगल। तो किसी भी दिशा से अल्टरनेट होना चाहिए। तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, 2, 4, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें 2, 2, 4, 2, 6 इसमें भी हो जाएंगे, 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो जाएंगे। इसमें आते हैं
तो इसमें इधर से काउंट करते हैं सिंगल डबल और फिर सिंगल अल्टरनेट भी है और जो है कि साइक्लिक भी है और कार्बन प्लेनर भी है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पास जो है कि आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है और नहीं तो फिर प्लस चार्ज है, और इसमें देख रहे हैं तो सिंगल डबल और सिंगल, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन दो हो जाएंगे, एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन आपको दो हो गया, एक यहाँ पर, और माइनस चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था और एक कहीं से आया है तभी इस पर एक माइनस चार्ज हुआ, तो माइनस चार्ज का मतलब समझना है दो इलेक्ट्रॉन, तो दो और दो चार इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपको, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन दो होंगे, इसमें कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, तो इसको जो है कि आपको समझना है और अपने मन से इसको बनाना है कि कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है। बनाने के बाद जो होमवर्क है आपको व्हाट्सएप पर मैंने भेजना है ताकि हम देख लेंगे कि आपका सही बना है या फिर गलत बना है, और अगले वीडियो में फिर इसका जो है कि आंसर हम आपको बना कर देंगे, तो फिर आप उसको देख करके सुधार लेंगे या सही कर लेंगे। इसमें जहाँ डाउट हो आप फोन करके हमको पूछ सकते हैं शाम को 8 बजे के बाद। अब आते हैं हम लोग जो है कि इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।